हेलो दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक करेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ये टॉपिक बिलोंग करता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 क्लास 11 बायोलॉजी से। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो थिक स्टिकी लेयर हेल्प्स द सेल टू फेस एनवायरमेंटल फिजिकल स्ट्रेस। कि जो बैक्टीरिया है उसके सबसे आउटर लेयर थी वो स्टिकी लेयर है जो उसको हेल्प करती है फिजिकल स्ट्रेस से, उसको प्रिवेंट करती है कि उसके ऊपर कोई उसका इफेक्ट ना पड़े। स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन से, यानी कि लॉस ऑफ वाटर से, डिहाइड्रेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, उससे भी इसको प्रिवेंट करती है। द कैप्सूल प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग एनगल्फ इन आवर इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ सेल्स होती है जैसे फेगोसाइटोसिस होता है, तो उससे भी इसको ये जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरिया को सेव करती है। और हम कह सकते हैं कि इम्यून सेल्स होती हैं वो इस बैक्टीरिया को एनगल्फ नहीं कर सकती, खा नहीं सकती, तो कैप्सूल इसको प्रिवेंट करता है। ग्लाइकोकैलिक्स इनक्लोज्ड पॉपुलेशन दैट आर कॉल्ड बायोफिल्म्स। कि कुछ ग्लाइकोकैलिक्स होता है कि कुछ बैक्टीरिया को एक उसका ग्रुप बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोफिल्म कहते हैं। और ऐसी ही बायोफिल्म कहाँ पे बनती है, हमारे दांतों के अंदर, जिसको हम नाम बोलते हैं प्लैक। ये जो प्लैक होता है येलो कलर का, जो हमारे दांत होते हैं वहां पर कुछ फिल्म बन जाती है, उसको ही नाम क्या दिया गया है, प्लैक। और ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया के डिपोजिशन की वजह से, जिसका मेन कारण क्या है, दिस ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड हमारे पास लेयर आती है बैक्टीरिया के अंदर, सेल वॉल। तो सेल वॉल कैसी होती है नेचर में, दिस इज नॉन लिविंग। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियम सेल फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। यानी कि जो सेल वॉल है वो डिटरमाइन करते हैं शेप की, जो शेप होता है, हमने कल पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होता है इसकी जो शेप होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि बेसिलस है, कोक्कस है, स्पाइरिला है, तो ये जो शेप है वो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, होता है इसका सेल वॉल। इसके अलावा लास्ट लाइन है कि जो माइक्रोप्लाज्मा होती है, स्मॉलेस्ट हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है, डज नॉट कंटेन एनी सेल वॉल। इसके पास कोई सेल वॉल ही नहीं होता, जिसका साइज आपको पता है, हमने लास्ट टाइम किया था कि 0.5 माइक्रोन मीटर इसका क्या होता है, साइज होता है। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम। हमारे पास थर्ड पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि थर्ड लेयर कौन सी है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब होता है ओनली द सिलेक्टेड मटेरियल्स कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द यूकेरियोट। यानी कि इसका स्ट्रक्चर सेम होता है जैसे कि यूकेरियोट्स में मिलती है। देन हमारे पास नेक्स्ट है मीजोसोम्स। ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्मड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके कुछ एक्सटेंशन होती है सेल के अंदर, जैसे यहाँ देख पा रहे हो कुछ एक्सटेंशन है, जो नाम क्या है जिनका, मीजोसोम्स नाम रखा गया है। ये जो एक्सटेंशन होती है किस फॉर्म में हो सकती है, या तो वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है, या फिर लैमेले की फॉर्म में हो सकती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका फंक्शंस ऑफ मीजोसोम। कि ये जो मीजोसोम्स बनाए गए हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो इसका क्या फंक्शन है, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कि जब डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए की कॉपी होना, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर देखो ये एक्सटेंशन बढ़ी हुई है, जो एक्सटेंशन है इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसको रेस्पिरेशन में भी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इन साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया सम अदर एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। यानी ये क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मीन्स जो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अगर उनको कोई मीडियम मिल जाए तो, नॉन मोटाइल जो एक ही जगह पर रहते हैं। फ्लैजेला हेल्प्स बैक्टीरिया टू मूव,
यानी कि जो फ्लैजिला होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कम्पोज ऑफ थ्री पार्ट। ये जो फ्लैजिला होता है इसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, पहला है फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बिसाइड फ्लैजिला पिली एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी कि फ्लैजिला के साथ साथ कुछ और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला है पिली एंड फिम्ब्रे जो इसके साथ ही प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस, बट दीज डू नॉट हेल्प इन द बैक्टीरियल मोटिलिटी। परंतु ये बैक्टीरिया को मूव करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बेसिकली, क्योंकि जो बैक्टीरिया को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लैजिला। पिली आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मेड बाय स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन के द्वारा ये पिली बने होते हैं। और फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे टूथब्रश होता है उसमें कुछ धागे होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं, उसी को नाम क्या दिया गया, उसी की तरह दिखने वाले होते हैं ब्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो सेल से ही बाहर रिलीज होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल इन द बैक्टीरिया फॉर अटैचमेंट टू द सरफेस, यानी कि जहाँ पर भी इनको अटैच होना है, जहाँ पर इनको स्टक होना है, तो ये जो स्ट्रक्चर हैं पिली और फिम्ब्रे, ये इसको हेल्प करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सरफेस पे जाके अटैच हो जाए।